पांच दिन से मुसलसल मैं सबको झूठ बताता रहा, जिससे मुझे खाना भी नहीं खाया जा रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी। लेकिन अल्लाह ने मुझे हिम्मत अता फरमाई, मैंने सच्चाई बयान की इस उम्मीद पे कि आप लोग जो सुन रहे हो तो इससे एक मतलब सबक भी हासिल करोगे कि आदमी सच बोल सकता है कि सभी हो। और हमारी पुलिस ने जो हमारे साथ ताउन अच्छा किया उसकी बिना पर, कि हमारे DSP साहब मुझे बार बार रोज समझाते थे, देखो बेटा तेरी आखिरत भी खराब होगी, तेरा मुस्तकबिल भी खराब होगा, तू सच्चाई बयान कर। इन्होंने कोई मेरे साथ कोई सख्ती नहीं की, कोई थप्पड़ नहीं मारा, कोई डंडा तक नहीं दिखाया। मैंने सिर्फ मोहब्बत के अंदर और सच्चाई बयान की अल्लाह के खौफ से। तो आप सुने कि वो बच्चा जो था वो बाहर, जब मैं मस्जिद से निकला तकरीबन 8:30 बजे का वक्त था, 8:30 बजे का वक्त था, तो मैंने मस्जिद का दरवाजा खोला, जैसे जब मैं बाहर निकला वो बच्चा बाहर कार्नर की दुकान के बाहर खड़ा हुआ था। उसका इमामा शरीफ हमारी सीढ़ियों के ऊपर सीमेंट की दो तीन बोरियां थी उनके ऊपर रखा हुआ था, टोपी और उसके अंदर इमामा था। तो वो जो है बच्चे को मैं लेकर आया बाहर से लेकर आया, क्योंकि जो बच्चा जिससे जितना मानूस होता उसकी जल्दी बात मानता है। तो मैंने उसको पकड़ा और ऊपर लेकर गया, लेकिन देखा कि अंदर मस्जिद में, क्योंकि हमारी सीढ़ी जो है बिल्कुल उसके साथ है ना, यानी सीढ़ी जैसे ऊपर चढ़ेंगे सहन जो मस्जिद के अंदर का हाल नजर आता। वो मस्जिद में आबिद भाई हमारे एक नमाज पढ़ रहे थे, 4 रकात की नियत बांधी थी, मैंने उनको ताला दिया था, फिर वो नमाज में मसरूफ हुए थे। मौका अच्छा जानते हुए उस बच्चे को ऊपर ले गया, जैसे स्टेप खत्म हुए सीढ़ियों के तो वहां पर मैंने उस बच्चे के गले में इमामा डाल दिया, जैसे मैंने चादर डाल रखी है ऐसे। फिर उसके बाद जो है दूसरी जो हमारा फर्स्ट फ्लोर शुरू होता है वहां पर उस बच्चे को मैंने कहा 1 मिनट में आता हूँ। फिर मैं अपने मोबाइल की लाइट के जरिए जो है ऐसा ये आरी का जो है टुकड़ा जो है अंदर कमरे में, हमारे यहाँ जनरेटर रखा हुआ, उस कमरे से निकाल कर लेकर आया। और फिर ये 15 से 20 मिनट का खेल था जो हुआ कि मैं उस बच्चे को ऊपर ले गया, जाके बिठाया, उसका इमामा उतार के साइड में रखा। और जो है उस वक्त शैतान मुझ पर सवार था, यकीनन जो मैंने ऐसी हरकत की, यानी कि उसका गले के ऊपर जो ये छुरी चलाई, तो अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। जुर्म सबसे होता है, लेकिन उससे बड़ा जुर्म हुआ, मैं इकरार कर रहा हूँ ना, उससे बड़ा जुर्म हुआ है, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। आप लोगों के सामने बयान देने का मकसद ये है कि जो है कि आप लोग भी सुन रहे हैं कि इंसान पे कैसा भी गलबा हो सकता है किसी भी वक्त। फिर उसके बाद जो है उस बच्चे को जब वो वहाँ जिस मौके वारदात में मैंने उसको जो है छुरी फेरी, तो फिर वहां से मुझे खतरा हुआ कि सीढ़ियां बहुत करीब है, सीढ़ियां चूंकि बहुत करीब थी नीचे से ऊपर चढ़ने वाली, तो मैं उस बच्चे को उठा के कोने में ले गया, वहां पर रख दिया और उसका इमामा वहीं रखा रहा, टोपी दूसरी जगह, चप्पल दूसरी जगह, और इस तरह मैं फरार होने की कोशिश में भागा। यानी कि ऐसे भागा कि मतलब तेज भी नहीं भागा, और मेरे हाथ में आला था तो इसको मैंने सबसे नीचे वाली मंजिल पे ले आके बाथरूम के अंदर मेरे कपड़े भी मैंने धोए, ये आला भी धोया, क्योंकि मेरे पर किसी को शक नहीं हो सकता था कि मैं मस्जिद का इमाम हूँ, एक बाइज्जत आदमी हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत अदा फरमाई है। इसलिए मैंने जो है ये काम किया। और सवाल ये पैदा होता है, कोई मुझसे ये सवाल करे कि आपने काम क्यों किया, एक बेसिक भी होती है, मैं पढ़ा लिखा शख्स हूँ, दीनदार भी हूँ, लेकिन बेसिक ना मालूम कीजिएगा, इसकी वजह होती है कि इंसान के दिल में बहुत सारी बातें होती है। तो अब वो जो उसको बहरहाल ये मुझसे गुनाह सरजद हुआ है, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। शहर के चंगे मोड़ से यहाँ पर बैठे हुए हैं, SP साहब भी हैं, DSP साहब भी है। मैंने कोई भी बयान इसमें किसी के दबाव में आके नहीं दिया। फिर मैं बता दूं, हमारी पुलिस ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत से प्यार से, किसी भी संतरी ने किसी हवालदार ने मुझे चमार तक नहीं मारा। 3 से 4 दिन हो चुके हैं मुझे, टाइम पर खाना दिया जाता है, VIP ठंडा मीठा पानी दिया जाता है पीने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सलूक किया जाता है कि मस्जिद के इमाम की वजह से। लेकिन मुझसे गलती सरजद हुई, इसका मैं इकरार करता हूँ। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।